हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं परनी। अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है, परेशान है, आप ग्रे हेयर्स हैं, तो आप अश्वगंधा को यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा एक नेचुरल और एंटी ऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। नेचरवाइज इसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि बालों को स्ट्रेंथन देती है, हेयर फॉलिकल्स को, और फाइट करती है फ्री रेडिकल्स से, और ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। अश्वगंधा को शैम्पू वाइज यूज कर सकते हैं, शैम्पू की तरह यूज कर सकते हैं। और अश्वगंधा में होती है प्रोटीन, विटामिन सी, आयरन, ग्लूकोज, टैनिस, पोटेशियम और नाइट्रेट, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट्स होती है हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए। अश्वगंधा ब्लड सर्कुलेशन को भी सही करती है आपके स्कैल्प में, सो इससे ये हमारे हेयर फॉलिकल को न्यूट्रिएंट्स देती है, इससे हमारे बालों की ग्रोथ होती है। सो अश्वगंधा का यूज कैसे करें, मिक्स कर ले 1-2 टेबलस्पून अश्वगंधा पाउडर विथ एनफ वाटर, मतलब पानी में, सिर्फ पानी में ही उसे पेस्ट बना सकते हैं, या फिर चाय पत्ती या पानी में आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसे अच्छे से एक रानी पेस्ट बना लें और अप्लाई करें अपने स्काल्प पर और हेयर पर, और उसे एब्जॉर्ब होने दें एटलीस्ट 30 मिनट्स के रह लेते हैं अपने बालों में। उसके बाद आप सादे पानी से अपने बालों को धो सकते हैं, या फिर कोई भी माइल्ड वाला या फिर ऑर्गेनिक शैम्पू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा इंक्रीज करती है हमारे बालों में पीएचए को, लेने से आप स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल को अश्वगंधा यूज कर सकते हैं वीकली 1-3 टाइम्स। बालों को ग्रोथ दिलाती है और जो ग्रेनेस है बालों की, सफेद खून, उसे धीरे धीरे ये स्लो डाउन करती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होने से भी बाल ग्रे होने लगते हैं, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे कि बाल को ये काले करके बनाए रखती है, काले बनाए रखती है, सफ़ेद होने नहीं देती, साथ ही ये बालों की ग्रोथ भी बढ़ाती है। अश्वगंधा के पानी भी आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पिए। साथ ही अश्वगंधा जो है स्किन प्रॉब्लम को भी सही करती है, जैसे कि रिड्यूस करती है एक्ने को और प्रॉब करती है एक हेल्दी स्किन कॉम्प्लेक्शन को, इवन करती है और एक नेचुरल ग्लो देती है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप में डिफिशियंसी है कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम एक एक्सट्रीमली एसेंशियल मिनरल है हेयर ग्रोथ के लिए, और अगर आपको मतलब कमी है कैल्शियम की, तो आप योगर्ट लेना शुरू कर दें, उसमें बहुत सारे जितना ज़रूरत है कैल्शियम होते हैं, और उसमें मिक्स कर लें कुछ नट्स लाइक वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, और उसे आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगी, जिससे आपके बालों की हेल्थ सही रहेगी और हेयर ग्रोथ भी होगी। चाहे बाल हो यानी हेयर हो, या फिर स्किन हो, आपकी त्वचा हो, या फिर आपका बॉडी हो, उस सभी के लिए आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए, जो कि आजकल की टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑर्गेनिकली बेस्ड फूड लें, यानी वेजिटेबल्स वो प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, और साथ ही ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स वगैरह लें, और जो हमारी इंडियंस की बेसिक फूड होती है, जो बेसिक खान पान होती है, यानी सुबह हम रोटी लेते हैं कुछ सब्जी के साथ, दोपहर को लंच लेते हैं मतलब दाल चावल और सब्जी, कुछ सलाद वगैरह, तो वो आपके लिए सही रहेगी, आपके हेयर के लिए हो, आपके स्किन के लिए हो, या फिर आपके हेल्थ के लिए। रात को हम सोने से पहले दूध पीते हैं और स्नैक्स में कुछ नट्स वगैरह लेते हैं, जैसे कि आलमंड, काजू, वॉलनट, अखरोट, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे हेल्थ को बैलेंस रखती है। इस हिसाब से अगर हम लेते हैं इंडियन जो खान पान की तरीके हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए सही है, जो कि हमारे पूर्वजों ने उसको बनाए रखा है, और हर बात में, इंडियन की बात में जो आजकल मिथ बोलते हैं, वो
बहुत ही लॉजिकल होते हैं और उसमें साइंस भी होती है, इसलिए आप जो हमारे बालों के लिए मुल्तानी मिट्टी थी हम उसे यूज करते हैं पहले, आजकल बहुत सारे शैम्पूज यूज करते हैं जिसमें भर भर के केमिकल होते हैं और उसका साइड इफेक्ट भी हमको भोगना ही पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स आप देसी लें और देसी इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।